हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? और आज के किचन में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी। और जो हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, तो कढ़ी पकौड़े की इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं हम। तो इसमें डलेगा, सबसे पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे उसमें ये अदरक लहसुन का पाउडर मैंने लिया है, तेज़ पत्ता लिया है, मोटी मिर्चें हैं, ये मोटी मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे पकौड़ों के साथ बेसन में मिला के। कड़ी पत्ता है, ये चॉप्ड करी हुई हरी मिर्चें हैं, ये प्याज है, ये आलू है, ये धनिया है, मिर्ची है और जीरा है, ये अजवाइन है, मेथी दाना है, ये अदरक लहसुन और मोटी मिर्चों का पेस्ट है। और ये हमने ग्राइंड करके बेसन को ग्राइंड करके हमने रख लिया था, तो अभी हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें पहले हम एक कप ऑयल डालेंगे, इसमें एक कप ऑयल हमने डाल दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन को 3-4 सेकंड के लिए हम इसको वो करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। और अजवाइन को हम 2-3 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे इसमें, और फिर हम इसमें डाल देंगे, फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर लेंगे हम, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट करके रखा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, ऐड करेंगे, इसी का पानी लेते हैं हम, इसी में थोड़ा सा इसको मिक्स करके इसको हम डाल देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये उबल जाए। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और गाइस, ये कढ़ी को चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसको जो है ना उबालने तक चम्मच इसका चलाना है, ताकि ये ढेलिया ना बन जाए और वो ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए कढ़ी। तो इसमें चम्मच चलाना उबालने तक लाजमी होता है। तो अभी जब तक ये उबाला आता है तो हम फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। जैसे हमने इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा वो कर लिया है, थोड़ी सी हमारी कढ़ी हो गई है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा ये तेज़ पत्ता हम थोड़ा सा शामिल करेंगे, और इसके बाद ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन और मोटी मिर्चें और प्याज ये ग्राइंड कर लिया था मैंने, तो ये ग्राइंड करके मैंने इसमें डाला। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे, तो फिर जो है ना थोड़ी देर उबाल आने पे फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें, पकौड़ों के लिए मैंने बेसन निकाल लिया है, अलहदा कर लिया है। और बेसन के इस पकौड़ों के लिए हमने ये देखो इसके लिए रखा हुआ है, हमने ये आलू काट के रखे थे, ये आलू इसमें मिक्स कर देंगे, आलू मिक्स कर देंगे, ये प्याज मिक्स कर देंगे इसमें, प्याज चॉप्ड करके मैंने रखे थे, प्याज मिक्स कर देंगे, ये हरी मिर्च मैंने चॉप्ड करके रखी है, ये मिक्स कर देंगे, इसमें लाल मिर्च मिक्स कर देंगे, धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे, ये अजवाइन है, थोड़ी अजवाइन एक चम्मच डाल देंगे, समझे, थोड़ा तेज़ पत्ता डाल देंगे, करी लीव्स, करी पत्ता, तो जीरा एक चम्मच ऐड कर देंगे हम, और पालक नहीं थी गाइस, पालक में लेने गया था, पालक मिली नहीं, ईद की वजह से दुकानें बंद थी, तो पालक मिली नहीं, तो पालक अभी नहीं डाल रहा मैं, तो हम धनिया ही पालक की जगह पे ऐड कर रहे हैं। धनिया तो मैंने वैसे भी ऐड करना था, लेकिन पालक मिली नहीं तो हमने पालक इसलिए ऐड नहीं करी। तो पालक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसमें इसको अभी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे,
मिक्स करने के बाद इसको एक घंटा ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका आलूओं का और प्याज का पानी इसमें निकल आए, और एक घंटे के लिए इसको हम रख देंगे तो ये जो है ना मिक्स हो जाएंगे पानी के साथ ही खुद ही। तो अभी ये जब तक हम रखते हैं इसको, मिर्चों को भी इसके अंदर वो करते हैं, मिर्चों को भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मैंने काट के रखी हैं मिर्चें, ये मिर्चें भी ऐड करनी है बाद में हमने, तो ये हम रख लेंगे मिर्चों को भी डाल के, मिर्चों को भी ऐड कर दिया हमने। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अभी हम इसको एक घंटे के लिए रख देंगे, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। जब तक हम कढ़ी आपको दिखा दें, कढ़ी हमारी बॉयल आ गया है इसके ऊपर, कढ़ी के ऊपर हमने दम पे रखी हुई है कढ़ी, हल्की हल्की दम लग रहा है इसको, कढ़ी पे बॉयल आ गया हमारा कढ़ी। और लुक देख रहे हैं आप कैसी आ रही है हमारी, तो जैसे ही पकेगी ये हम आपको बताएँगे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस तो ये देखें अभी पकौड़ों का ये तैयार हो गया हमारा बैटर, और अभी हम इसको फ्राई करेंगे, पकौड़े बनाएंगे। तो आज ये हम दिखाते हैं आपको पकौड़े, तो ये देखें पकौड़े हमारे बन रहे हैं, पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। अभी ये होने को पहले अभी ये पकौड़े, और फिर हम उसके बाद उसको तड़का लगाएंगे कढ़ी को। तो हमारी कढ़ी अभी तैयार हो चुकी है, तो बस जैसे ही बनती है तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी कढ़ी अभी तैयार है हमारी, तो पकौड़े हम बना रहे हैं। चावल भी दिखा दो, चावल भी हमने बना लिए गाइस, चावल हमने आपको दिखाए नहीं थे बना के, रेसिपी नहीं बताई थी आपको। नहीं अभी आलू है उनके अंदर कच्चे होंगे, नहीं ये चाहिए नहीं। चलो डालो गाइस, ये देखें आप पकौड़े हमारे डल रहे हैं, और ये पकौड़े हमारे भी तैयार हो रहे हैं। लाइट जला के आपने कवर करो, लाइट जला देखें गाइस पूरे हमारे तैयार हैं। ये साथ मिर्चें भी हम डाल रहे हैं, ये हरी मिर्चें भी मोटी हमने तैयार करी हैं। बस सभी डाली देखें, पकौड़े हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। और अभी हम डाल दिए, बोलो आधे हमने डाल दिए, आधे अभी हम डाल देंगे। और अभी हम तड़का लगाएंगे इसको, कढ़ी हमारी तैयार है माशाल्लाह से, देखें कैसा लुक आया कढ़ी का, और टेस्ट करके हम आपको बताएंगे। तो गाइस काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए कि वो हमारी गैस नहीं आ रही थी, तो हम सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, फिर जनरेटर चलता था, लाइट नहीं थी, बारिश थी, बड़ा मसला था। तो आज कल हमारी गैस सही हुई है, तो आज हम फिर बना रहे हैं आपके लिए कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अभी बना के, और जैसे ही तैयार होएगी हम आपको बताएंगे। हम माजरत चाहते हैं देर से बनाने की, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गैस की। तो अभी हम तड़का लगा रहे हैं कढ़ी को, तड़का लगाने के बाद हम कढ़ी का लुक दिखाते हैं आपको। तो ये पहले हम डाल रहे हैं कढ़ी पत्ता इसमें, फिर हम डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता और मोटी मिर्ची। तो इसका भी हम तड़का लगा रहे हैं कढ़ी को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा लुक आ जाता है। ऑयल बहुत है, देखें गाइस अभी ये तड़का लग रहा है हमारा,
और ये तड़का बस लग गया हमारा, तकरीबन हो चुका है। और अभी हम इसको कढ़ी में डालेंगे। देख रहे हैं हमारी मिर्चें भी हो गई हैं। ये देखें गाइस, तड़का लग गया हमारा कढ़ी में। कैसा लुक आ गया ये हमारे, देखें कढ़ी का शानदार लुक आ गया। ये कढ़ी तैयार है, अभी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखें, अभी हम डिश ले आए हैं, अभी हम डिश आउट कर रहे हैं इसको, कढ़ी को। ये देखें कितनी टेस्टी बनी है ना, वाओ, बहुत खुशबू ज़बरदस्त आ रही है कढ़ी की, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। और लाजवाब कढ़ी बनी है हमारी, बस सही है। इंशाल्लाह आपको टेस्ट कराते हैं, तो फिर बताएंगे आपको कि कैसे बनी है हमारी कढ़ी। बस अंदर लेके जानी है खाने के लिए। वीडियो जो इतने दिन नहीं आई उसका रीज़न बताए। हाँ हाँ, रीज़न बता दिया इसका, तो बारिश है। तो गाइस हमारी ये कढ़ी पकौड़ा तैयार है, डिश आउट करके हमने आपको दिखा दिया है। तो अभी हम एंड करेंगे वीडियो का। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें और शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, हमारे रिश्तेदारों में अपने, तो आप सबको शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल सके। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं गाइस, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।